राहुल गांधी जो सोचते हैं ना कि रफाइल पे बैठ के उनका करियर लॉन्च हो जाएगा, सॉरी, ये रफाइल पे बैठ के आपका करियर लॉन्च नहीं होने वाला है। आप पहले घर में कागज कलम लेके 10 बार लिखें रकम, उसको रटिए अच्छे से, फिर बोलिए कौन से रकम में आपने खरीदा था। दिस किंडरगार्टन डिबेट्स हैज पॉइंटेड आउट राइटली बाय मिस्टर जेटली कि कभी कहते हैं 500 करोड़, कभी कहते हैं 520, कभी 526, कभी 600, कभी 700। जिस व्यक्ति को बतौर अध्यक्ष यही पता नहीं है कि एक रकम बोलना है, 7 रकम अभी तक बोल चुके हैं और इंतजार करिए आने वाले दिनों में कितनी रकम बोलेंगे वो भी आपको पता नहीं है। लुक एट द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन हु प्लेज विद द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ दिस कंट्री एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ द एस्पिरेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। राहुल जी, आप कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, करियर लॉन्च नहीं होने वाला है, बिकॉज यू लैक फैक्ट्स, आपके पास फैक्ट्स नहीं है। और झूठ के बुनियाद पे कोई भी महल खड़ा नहीं होता है, झूठ के बुनियाद पे हमेशा बर्बादी होती है। और इसलिए राहुल जी, आप झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। 15 उद्योगपति की बात कम से कम 100 बार राहुल गांधी कर चुके हैं कि ये 15 उद्योगपति हैं जिनको सारा पैसा देने का काम हम कर रहे हैं, और ये 15 उद्योगपति ही हमारे धुरी में है। राहुल जी, इन 15 उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति बता दीजिए जो कि 2014 के बाद उद्योगपति बना है या अमीर बना है, कोई एक बता दीजिए। 15 या 100 उद्योगपति ऐसा बता दीजिए जो हमारे समय में उनमें से एक भी व्यक्ति अमीर बना हो। हर कोई जो उद्योगपति बना, इन 15ों का नाम आप लेते हैं, वो सब आपके समय थे। कैसे बन गए आपके समय, इसका जवाब कौन देगा? रोज रोज वही घिसी पिटी कैसेट चलाने से कुछ नहीं बदलता है।